पोर्टल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस समय हम मौजूद हैं सालौता मोड़ पर। दरअसल नगर पालिका नगर परिषद का जो दस्ता है वो आज अतिक्रमण हटा रहा था उदय मोड़ से लेकर के और सालौता मोड़ तक। और सालौता मोड़ चौराहे पर कुछ लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, आपस में उलझ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ और विभाग को उसका काम करने से रोका गया। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर विभाग अपना काम करेगा कैसे। आज सड़कें सिकुड़ गई, रास्तों में चलना मुश्किल हो गया, और जब विभाग कार्रवाई करता है तो फिर आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मौके पर पुलिस को बुलाया गया है और नगर परिषद के कर्मचारी के हाथ से थैली छीन ली गई, मारपीट करने को उतारू हो गए ये लोग। थाना अधिकारी उदय मोड़ गंभीर जी, उनको आना पड़ा यहाँ स्थिति को देखने। वो खुद भी पहले कई बार कार्रवाई कर चुके हैं मगर ये लोग सुधरने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और उनके हाथ से थैली छीनी गई, बड़े आश्चर्य की बात है। एक तरफ आप सुधार चाहते हैं, सब कुछ सही हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने नालों पर कब्जा कर रखा है स्थायी रूप से। बरसों तक प्रशासन ने चलो कुछ नहीं कहा और आज जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो फिर आप लोगों को बुरा क्यों लगता है, आप लोग सहयोग क्यों नहीं करते प्रशासन का, ये सोचने वाली बात है। जो अतिक्रमण प्रभारी है रामनिवास जी, वो अपनी टीम को लेकर के यहाँ आए थे ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके, रास्तों को सुगम किया जा सके, लेकिन समस्या ये है दौलत जी, देखिए भेदभाव की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि कार्रवाई कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी ना, लेकिन आप अभद्रता नहीं कर सकते हो। पहले गंभीर सर ने भी अभियान चलाया था जब आए थे तुरंत अतिक्रमण के खिलाफ,
लेकिन आज फिर वही देखने को मिल रहा है। जब लोग ही साथ नहीं देंगे तो फिर प्रशासन कैसे काम चलाएगा। लोगों को कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। ये दुकान के लिए फोटो खोल दूंगा, और जो शुरुआत हुई थी ना वो यहीं से हुई थी। फालतू के जाओ भाई, फालतू के जाओ, चलो चलो। देखिए, एक कर्मचारी के साथ जो किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक कर्मचारी हमारे साथ, क्या हुआ था आपके साथ में? हमें अच्छा, तो देखिए ये प्रशासनिक हैं लोग जो आए थे इस काम को अंजाम देने, और उसके हाथ से थैली को छीना गया और उसके साथ में गाली गलौच और अभद्रता की गई, तो फिर प्रशासन अपना काम करेगा कैसे? ये जगह सालोदा मोड़ चौराया है, मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है नगर परिषद के द्वारा। अतिक्रमण हटाने की, जिन लोगों ने अवैध रूप से बहुत आगे तक अपना दुकान का सामान निकाल रखा है, क्योंकि ये तो चलेगा। देखिए आप ठीक है, आपसे पहले अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया है या आपको कुछ थोड़ी बहुत राहत दे रखी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये काम कभी नहीं होगा। आप सोचिए, इस शहर के लिए कोई मास्टर प्लान भी बनेगा, इस शहर के लिए आगे की योजनाएं बनेंगी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फिर आपको सहयोग तो करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं सिर्फ कि नहीं साहब मेरे यहाँ से नहीं हटना चाहिए और सबके यहाँ से अतिक्रमण हट जाए, तो ये तो असंभव है। बिल्कुल सही बात है शिव कुमार जी, लड़ाई इसी चीज में हटा देगा। कल ये लोग फिर वहीं अतिक्रमण कर लेंगे। फिर जिस तरीके से नाले पर कब्जा कर रखा है, रास्ते बिल्कुल छोटे हो गए हैं। आप देखिए कितना दिन भर ट्रैफिक रहता है गंगापुर में। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी प्रशासन को, परिषद को, और उसमें आपको सहयोग करना भी चाहिए। हटाने की कार्रवाई की जा रही है लगातार। आप देखिए कि लोगों ने यहाँ किस तरह नालों पर कब्जा कर रखा है। प्यार से समझा बुझा करके उन चीज़ों को हटवा रहा है। समझा बुझा करके और बहुत प्यार से लोगों को समझाया जा रहा है कि आप आराम से खुद ही हटा लें तो ज़्यादा बेटर है। उदयपुर थाना प्रभारी जो हैं उन्होंने अब जिम्मेदारी संभाली है, वो अब सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का ताकि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके और लोग इस बात को समझें।
यहाँ देखिए आप, पहले लोगों से समझाइश की जा रही है। बिल्कुल दिनेश जी, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है पुरानी अनाज मंडी का, इसके बारे में भी हम कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल मैं आज ही बताऊंगा। और दूसरी बात, जो अभी आपने लिखा है शिव कुमार जी ने, हाँ रिया वाले का रैंप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की जा रही है ना वो अस्थायी अतिक्रमण के लिए की जा रही है। अब आप सोचिए, अस्थायी अतिक्रमण में ही लोगों की ये कंडीशन हो रही है, जब स्थायी हटाया जाएगा तो क्या हालात होंगे। बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया वो भी कम नहीं है कि रिया हॉस्पिटल का जो रैंप है वो कितना आगे तक निकला हुआ है। फिलहाल अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, लोगों को समझाइश की जा रही है कि भैया खाली कर दो, इनको जगह चाहिए, बेवजह आपने सड़कों को घेर रखा है। रिया हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल काफी भीड़ रहती है, काफी रश रहता है वहां पर भी, एम्बुलेंस गाड़ियाँ, तो उनका भी कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं चलने वाला, लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अतिक्रमण लोगों ने अस्थायी रूप से कर रखा है, तो उसको हटाने की जो कार्रवाई है वो अतिक्रमण दस्ता आज कर रहा है, प्रभारी राम निवास के साथ में है। और थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया था सालोदा मोड़ चौराहे पर, जब कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध कर दिया, आपस में लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो गए, नगर परिषद के कर्मचारी के साथ अभद्रता की। ये मामला थोड़ा सा गलत है।
आपको हर जगह मिलेगी। लोग सुनने को तैयार नहीं है और अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है। जब्ती की कार्रवाई भी की है, जो लोग हटा नहीं रहे सामान को जब्त भी किया जा रहा है और मजबूरन पुलिस का सहयोग लेना पड़ा। जब लोगों ने विवाद पैदा कर दिया तो फिर पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। चलिए मैं आपकी अतिक्रमण प्रभारी जी से भी एक बार मुलाकात करवा देता हूँ, आखिर मैं मामला है क्या और लोगों का जो बिहेव है वो कैसा चल रहा है, लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे और अब ये कार्रवाई कितनी कंटिन्यू जारी रहेगी वो भी देखना पड़ेगा। थाना प्रभारी हैं उदयपुर थाना प्रभारी कसाना जी, वो यहाँ पहुँचे हैं अपनी पुलिस टीम के साथ में, तभी स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए और कम से कम सहयोग तो लोग करें। परिषद नहीं चाहता कि लोगों के साथ सख्ती हो पर लोग मानने को तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। और अभी अभियान लगातार जारी रहेगा। पुरानी अनाज मंडी का जो मामला है बिल्कुल सबसे ज़्यादा दुखद और सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला है। हम बार बार सभापति से भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और जब देखिए जब बड़ा प्लान आता है, जब आप बड़ी सुविधाएं चाहते हो तो फिर त्याग तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि साहब फिर प्रशासन अपना चाबुक चलाए तब आपके समझ में आए। कल भी हमने आपको बताया था कि जब नालों की सफाई की गई तो कुछ लोगों ने कुछ दुकानदारों ने विरोध कर दिया कि मेरे सामने से आप पट्टियाँ नहीं हटाओगे नाले साफ़ नहीं करोगे तो फिर नाले साफ होंगे कैसे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि हम भी लोगों को ये समझा पाएँ, प्रशासन को भी ये समझा पाएँ कि इस काम को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे किया जा सकता है ताकि लोग आपका सहयोग करें। देखते हैं और मैं बात करवाता हूँ आपकी और उसके बाद फिर इस लाइव को हम खत्म करेंगे यहीं पे। रोकने का प्रयास उसमें भी आप देख लीजिए कि बहुत कम गुंजाइश बस्ती है। बाहर इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, एम्बुलेंस खड़ी रहती है, उससे काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो कवर हो जाता है और फिर लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जब आपको सड़क पर चलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। Thank you.
एक जो नगर परिषद के कर्मचारी थे उनसे मैंने आपकी बातचीत भी करवाई कि उसने जब जाने का प्रयास किया तो उससे थैली छीन ली गई। धन्यवाद सर, क्या मामला था, कहां से कहां तक आपने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की और लोगों ने कितना सहयोग किया और कितनी अभद्रता की? आज नगर परिषद की टीम द्वारा आयुक्त के निर्देश अनुसार हमने उदय मोड़ से और जो सालोदा मोड़ तक है स्थायी अतिक्रमण उसमें हटाने की कार्रवाई की है। साथ में हमने चालान भी पेश किया है। लेकिन हमें बड़े दुख की बात है कि हमारे जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने लोगों ने हमारे कर्मचारी के साथ कुछ बदतमीजी से पेश हुई है और हमने पॉलीथिन जब्त की है उसे हमारे कर्मचारी से उन्हें हाथ में से कोसी भी है, वो जो कि बड़े दुखी खेदजनक की बात है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि जनता भी इसमें सहयोग करें। अच्छा रामनिवास सर, एक चीज़ है जो लोग बार बार हमारे पास में कमेंट्स कर रहे हैं कि देखिए एक तो रेगुलर अगर ये रहेगी और बिना भेदभाव के रहेगी तो लोग सहयोग करेंगे, तो कम से कम आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि बिल्कुल रेगुलर ये कार्रवाई करनी है हमको और इस शहर को बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त बनाना है। बिल्कुल सर, हमें जैसे ही अभियान चला है कंटिन्यू आगे भी जारी रखेंगे वैसे ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन जनता का सहयोग होना हमारे साथ जरूरी है सर। चलिए, तो ये थे रामनिवास जी अतिक्रमण प्रभारी और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि जब आप सुविधाएं चाहते हैं तो राम प्रकाश जी तो वो भी यही चाहते हैं कि साहब जनता सहयोग ज़रूर करे। तो आज की लाइव यहीं से थी और उम्मीद करते हैं आज शाम को हम अपनी लाइव में ज़रूर लेंगे सर को। धन्यवाद।